नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अपने कार्यक्रम में आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक अलग विषय के बारे में। विषय हमारा ये है कि बार बार नौकरी क्यों छूटती है, अगर छूटती है तो कुंडली से क्या संबंध है और इसका विशेष उपाय क्या है, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले निवेदन करता हूं कि आप हमारे नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ये आपका आशीर्वाद आपका प्यार मैं समझूंगा। किसी विषय पर बातचीत करनी है, कुंडली को लेकर के, हस्तरेखा को लेकर के, वास्तु को लेकर के, तो आप हमें संपर्क जरूर करें। व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हमारा आपके सामने है, मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज पर कल्याण मस्त ज्योतिष संस्थान के नाम से वहां जाकर के उसको लाइक करें, वहां भी आपको एक अलग अलग चीजें मिलेंगी, उपाय और वीडियो मिलेंगी, आप वहां भी उसको दर्शन करें, वहां भी उसको देखें। इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से हैं। तो बात करते हैं विषय पर कि करियर क्षेत्र से जुड़े लोगों की नौकरी ही उनकी आय का मुख्य स्रोत होती है, इसलिए इसमें अगर किसी तरह की बाधा आती है तो फिर उनका आर्थिक जीवन भी प्रभावित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के कार्य करने वाले लोगों के लिए करियर जीवन में उतार चढ़ाव लाना जायज भी हो जाता है, लेकिन यदि ये उतार चढ़ाव बहुत ही तेजी और नियमित रूप से आ रहे हैं तो समझिए कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति अनुकूल नहीं है। यहाँ उतार चढ़ाव का आशय बार बार नौकरी का छूटना या स्थान परिवर्तन यानी तबादला होना है। आर्थिक जीवन में धन की कमी बनी रहे ये ठीक नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी ग्रहों का कारण है। तो अब बात कर लेते हैं कि करियर प्रोफेशन के लिए कुंडली में कौन सा भाव है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में दसवां भाव करियर का भाव कहा जाता है। वही तीसरा भाव हमारे प्रयासों का भाव होता है, हमारा बल है, जबकि छठा भाव कंपटीशन को दर्शाता है। अगर कुंडली में ये तीनों भावों की स्थिति शुभ है तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में खूब तरक्की करता है, खूब लाभ कमाता है। वही कमजोर होने पर उसे करियर क्षेत्र में परेशानियां आती ही है। मित्रों, कुंडली में दूसरा भाव धन के लिए होता है। इस भाव से कुंडली में धन की बचत को देखा जाता है। इसके साथ ही कुंडली का 11वां भाव आमदनी यानी आय लाभ का भाव होता है, वहीं 12वां भाव खर्च को भी दर्शाता है। तो ये तीनों भाव धन से संबंध रखते हैं। अगर कुंडली में ये तीनों भाव मजबूत हैं तो व्यक्ति का आर्थिक जीवन खुशहाल बना रहेगा, प्रसन्न बना रहेगा। तो हम जान लेते हैं कि हमें ज्योतिषीय दृष्टि से करियर और धन के संबंधित क्या उपाय करने चाहिए अगर ये भाव कमजोर है। तो कुंडली के दूसरे भाव में जो राशि है उसके स्वामी के ग्रह शांति आपको अवश्य करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। जैसे कि मान लिया दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, स्वामी शुक्र हो गए, वृष राशि हो गई, शुक्र स्वामी हो गए, तो शुक्र अगर कमजोर है तो उसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शांति जरूर करनी चाहिए। कुंडली के तृतीय घर में जो भी राशि बैठी है उसके मालिक यानी ग्रह की शांति अवश्य करें, उसकी पूजा पाठ दान जब उपाय जरूर करें। दशम भाव की स्थिति देखकर के उसके राशि स्वामी को बलवान जरूर करना चाहिए। एकादश में जो भी राशि बैठी है उसके ग्रह स्वामी को मजबूत बनाएं। 12वें भाव को प्रबल करें, इसके लिए भाव के स्वामी को बलि जरूर बनाएं। साथ ही दूसरे तीसरे दसवें 11वें और 12वें भाव में बैठो ग्रहों को भी मजबूत चाहे रत्न के माध्यम से यानी जेम स्टोन, रुद्राक्ष, मंत्र जप, पूजा पाठ अनुष्ठान, इनके माध्यम से आप ग्रहों की शांति कर सकते हैं, ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है क्योंकि भाग्य प्रारब्ध है कि ग्रह ऐसे बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो कुछ हैं। आप पर अगर हाथ पे हाथ रहे बैठे रह गए तो कर्म कौन करेगा, और कर्म नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा। इसलिए कर्म करने के लिए जागृत हो जाइए और फल पाने की आशा से जिज्ञासा से कर्म आगे करें और आगे बढ़े, उसका फल भी प्राप्त करें। तो इन शुभ शब्दों के साथ, उपायों के साथ, विषय के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, आपसे मिलता हूं एक अगले विषय के साथ। मुझे दिया गया नमस्कार।